ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी। क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, दो वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पियेंगे, विस्की, शैंपेन, ठर्रा? नहीं, ठर्रा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा। पियेंगे भी कैसे, अपनी हार का कड़वा घूंट चुप पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया। क्या? के भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आई गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा। हाँ, तुमने कहावत तो सुनी होगी। क्या? के कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब। ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। ये विजय को चला गया। ये क्या कर रहे हो? अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं मॉम। क्यों राजा, क्यों? ताकि हर वक्त यह एहसास न हो कि ये घर नहीं एक सराय है और मैं इस बंगले का वारिस नहीं, एक मुसाफिर हूं, एक मेहमान। किसने कहा तू इस घर में मेहमान है? मिस्टर सी के ओबेरॉय ने। राजा होश में तो है? तू जानता है तू क्या कह रहा है? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं, मगर डैड नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने मेरे जख्मों पर नमक रगड़ा है मॉम, नमक। हर बार उस विजय कुमार के सामने मुझे नीचा दिखाया उन्होंने, मुझे। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता। अगर यह हादसा एक बार हुआ होता, मगर आज भी उस हरामजादे के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया मॉम। जानती हो किसकी वजह से? डैड की वजह से। तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी बेटा। काश के कोई गलतफहमी हुई होती मॉम। मेरे ही घर में मेरे बाप के जीत की खुशी में पार्टी दी जाती है और उसका खर्चा कौन देता है? मिस्टर विजय कुमार। जानती हो भरी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर सी के ओबेरॉय ने। क्या मैं सी के ओबेरॉय की औलाद नहीं हूं मॉम? बेटा तू ही हमारी जिंदगी की आखिरी मुकाम है। मॉम मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मुकाम हो सकता हूं, मगर हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वही जो आज सारा शहर कह रहा है, विजय कुमार मिस्टर सी के ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। खबरदार, जो मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला, इससे पहले कि मैं अपनी कोख को बंदवा दूं, चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ओ, 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 ओ,
ये तुमने अच्छा नहीं किया बहन। जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उस पर नमक रगड़ दिया ताकि नासूर बन जाए। तो और क्या करती? जानते हो राजा ने इनके बारे में क्या कहा? उसके दिमाग में जो तूफान उठ चुका है उसकी वजह ना ही जीजाजी है और ना ही विजय कुमार। फिर उस तूफान की वजह है मधु। मधु? वो मधु से बेहद प्यार करता है। मंगलम प्रणमाम्यहम। मौसी। क्या हुआ? अरे मौसी, अग्रीमेंट के पेपर्स कहाँ रखे तुमने? कौन से पेपर्स? वही जो कल दिए थे। कल तो तूने कोई पेपर्स नहीं दिए। तो परसों दिए होंगे। अरे परसों भी नहीं दिए। तो नरसों तरसों दिए होंगे। मौसी बहुत भूलने लग गई हो आजकल तुम। दो चार नौकरानियां और रख लो। नौकरानियां? तो तेरे कागजात और तिजोरी की चाबी नौकरानियों के हवाले कर दूं? तो फिर एक बहू ले आओ। क्या कहा? हाँ, बहू ले आओ। तू शादी करेगा? क्यों, मेरे हाथ में शादी की लकीर नहीं है? हाथ में शादी की लकीर है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तेरे चेहरे पर खुशियों की लकीर नहीं है। हर वक्त काम काम काम। मौसी, यही तो काम करने की उम्र है। हुँ? काम करने की और शादी भी करने की। लड़की देख रखी है क्या? हाँ। हाँ? कौन है? जस्टिस अमरनाथ की बेटी। भाई साहब, मधु को हमारी झोली में डालकर आपने हमें दोनों जहाँ की खुशियाँ दे दी है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार की क्या बात है बहन जी, विजय जैसा लायक लड़का तो नसीब वालों को मिलता है। अच्छा चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। जज साहब हम आए हैं। अरे ओबर रहा है। अरे आओ भाई, आओ आओ आओ। नमस्ते भाभी जी। आज इस गरीब के कैसे याद आ गए? इसलिए कि हम आपको और गरीब बनाने आए हैं। ओ अच्छा अच्छा भाई, मेरी जायदाद तो ये कानून की किताबें हैं, इन्हें ले जाके अमीर बनना चाहते हो तो बन जाओ। हम तो वो किताब लेने आए हैं जज साहब, जिसे आपने अलमारी में सजा कर नहीं बल्कि अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है। मैं समझा नहीं। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी। क्या बात है भाई, यूं बावलों की तरह हंसे क्यों जा रहे हो? अरे भाई हंसू नहीं तो क्या करूं, मेरी 30 साल की जिंदगी में ये पहला मुकदमा आया है। फैसला किसके हक में करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम कुछ समझे नहीं। अरे ओबराय, मधु के लिए एक ही दिन में दो दो रिश्ते आए। दूसरा रिश्ता किसका आया है? भाभी जी वो विजय का। विजय? हाँ विजय। अरे भाई ओबराय, ये देखिए रस्म का सामान। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। हम राजा के लिए कोई दूसरी बहू ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। जानती हूँ, बड़ी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर सी के ओबेरॉय ने। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं, मेरे अपने बेटे की शादी है। विजय कुमार मिस्टर सी के ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। मैं तो विजय की शादी पर ऐसा नाचूंगा, ऐसा नाचूंगा जैसे वो मेरा अपना ही खून हो। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं, मेरे अपने बेटे की शादी। जो आज सारा शहर कह रहा है, विजय कुमार मिस्टर सी के ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद।